हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं? कर रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, करो कोई बात नहीं, अब तो समय आ रहा है भाई, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो पढ़ाई तो कर लीजिए बेटा, है ना? पास होने के लिए नंबर तो चाहिए चाहिए, तो थोड़ी पढ़ाई भी करिए, मेहनत भी करिए, लगे रहिए, है ना? क्योंकि एग्जाम होगा और इस बार तो एग्जाम रिटर्न वाला है ना? रिटर्न वाला है तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि इस बार अब तुक्का भी नहीं चलेगा, दिक्कत करेगा ना, पूरा पूरा हर सवाल लिख के करना है, सॉल्व करना है। तो पहला हम लोग कल जो पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे बी एक्सरसाइज का पहला दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तो थर्ड नंबर पे चल रहा है ना? अब जो एक पैटर्न के सवाल होंगे उनको हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो आप खुद करिएगा अपने आप से, क्योंकि कोर्स को भी देखना है ध्यान से। तो अब एंगल ए ओ सी क्या करें, फाइंड द एंगल ए ओ सी, सेकेंड एंगल बी ओ सी, बी ओ डी, फाइंड एंगल ए ओ सी कॉमा बी ओ डी, अभी देखते हैं सब बनाएंगे, बी ओ डी एंगल ए ओ ई एंड इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर दे दिया आपको, एडजॉइनिंग फिगर ऐसे बना दिया, जरा बना लेते हैं हम लोग, ए बी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ, बी यहाँ है, ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, एक लाइन ये ऐसे गई डी, ठीक है, एक लाइन ये ऐसे गई सी, ठीक है, हाँ सी है, और एक लाइन ये ऐसे गई ई, इस तरह से तिरछी करके ऐसे, ये ई है, ठीक है। कुछ बातें बताई इन्होंने, कुछ कुछ एंगल दिए, इन द गिवन गिवन दैट सी ओ डी, सी ओ डी ये एंगल लाइन दी है, ये एंगल लाइन दी है, सी ओ डी इज 90 डिग्री, एंड बी ओ ई, बी ओ ई ये 72 है, ये एंगल कितना है, ये 72 है, 72 दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड एंगल एंड ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की बातें बता रहे हैं। पहले ए ओ सी यानी ये एंगल चाहिए हमें, पास अभी एक्स है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, बी ओ डी यानी ये चाहिए हमें, इसको क्या मान लिया, वाई मान लिया, फिर कौन सा एंगल चाहिए, सर एक एंगल ये वाला चाहिए, कौन सा, ए ओ ई ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, इसको हमने जेड नाम दे दिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं इस एंगल, इस एंगल की वैल्यू दी है उन्होंने, इसको जेड नाम, इसकी इसकी वैल्यू उन्होंने दी है, इसकी वैल्यू 3x दी है, नाम उन्होंने खुद दिए, ये x है, ये y है, ये 3x है, हमने नहीं माने, ये सवाल खुद दिए, x ये y और ये 3x ऐसे दे रखा है। चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 के, नीचे देखिएगा एंगल ओ बी 180 है, तो ये एंगल 3x प्लस 72 बराबर 180 नहीं कहलाएगा, कहलाएगा सर 3x बराबर 108 नहीं बचेगा, बचेगा सर x बराबर 36 नहीं आ जाएगा, हाँ एक आंसर, x की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू निकल आई तो ये एंगल पता चल गया कितना 36, और ये एंगल पता चल गया 108, दो एंगल हो गए। y की वैल्यू चाहिए, अब आइए सर इधर से इस एंगल को देखें, यहाँ से आता है तो यहाँ से आता है कसम, x प्लस 90 प्लस y, ये तीनों एंगल कसम भी तो 180 होगा, क्योंकि एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल, अब एक्स की वैल्यू आप ले आए 36, वाई 90 है ये, और वाई की वैल्यू निकालनी, नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लोगे सर, वाई की वैल्यू निकाल देना, 180 माइनस 9312 126, घटाना घटाना आता होगा आप कर लेंगे, घटाना घटाना आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो बैठे रहो यार, मजाक कर रहे हो, 54 आंसर आ जाएगा, एक्स वाई की सब की वैल्यू निकालें, एंगल भी पता चल गया, ये कितना हो गया, ये 54, तो आंसर लास्ट में ये ऐसे करके लिख दीजिएगा, हैंस ये लाइन ऐसे लिख दीजिएगा, काम खत्म, ओके समझ गए, हाँ समझ गए सर। तीसरा नंबर एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं, विश्वास है आपने नोट कर लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या लिखा पढ़ते जाना, इन द गिवन फिगर रे ओ सी स्टैंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन, एंगल स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, ठीक है अच्छी बात है, और रे ओ डी एंड रे ओ ई आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी रिस्पेक्टिवली, ध्यान से देखिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, नाम है ए बी सी, ए बी सी यहाँ पे ओ है पॉइंट, इस पॉइंट पर कोई एक रे है ओ सी ऐसे बनी है, ये ओ सी रे है, इतना बोला था, तो जब ये ओ सी रे है तो इसके दो एंगल बन गए, एक एंगल ए ओ सी और एक एंगल बी ओ सी, तो ये लाइन ये बनी, ये और ये लाइन, दो लाइनें बोली गई, करें ओ ई एंड ओ डी, OD एंड OE, ये OD लाइन है, दिस इज OD एंड दिस इज OE, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC और OE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये चीज बराबर इसके, ये चीज बराबर इसके, ये बोल रहे हैं, तो करें फाइंड आउट द
मेजर ऑफ डी ओ सी क्या निकालना आपको, एंगल डी ओ ई निकालना है, ये क्वेश्चन चाहिए हमको, एंगल डी ओ की वैल्यू निकालनी। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बात बताइए, सिंस ओ डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑफ एंगल ए ओ सी, हाँ सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ए ओ सी सॉरी एंगल ए ओ डी प्लस इक्वल टू एंगल सी ओ डी बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे एंगल, हाँ सर बिल्कुल बराबर होंगे, हाँ जी बराबर। फिर अगेन देखिए यहाँ पे, अगेन ओ ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ओ सी, बी ओ सी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी ओ डी बी ओ ई इक्वल होगा एंगल सी ओ ई, हाँ सर बिल्कुल सही की बात है, बिल्कुल आपने सही लिखी बाई सकते हैं, तो बात तो सही है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना, ध्यान से देखिएगा, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180 बराबर होगा। अब लिखने जा रहे हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 है, हाँ सर बिल्कुल सही 180 बराबर होगा, सही है, हाँ सर सही है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एंगल ए ओ डी डी ओ सी सी ओ ई बी ओ ई सर यही लिखा है ना, ना तो लिखे सही लिखे बिल्कुल बढ़िया लिखे, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ए ओ डी ए ओ डी की जगह सी ओ डी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर एंगल सी ओ डी, और सी ओ डी तो सी ओ डी लिखा रहेगा सी ओ डी, और सी ओ ई अभी ऐसे लिखा रहेगा, अब बी ओ ई के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं, बी ओ ई के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं सी ओ ई, सी ओ ई, अरे बाप मजा आ रही है भैया 180। अब जरा ध्यान देना, ये एंगल एंगल दो बार जुड़ा, हाँ जुड़ गया, क्या बात है, टू टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ डी प्लस टू टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई इज इक्वल टू 180 के, अब पूरी लाइन में दो से डिवाइड कर दो, तो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 90 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, सी ओ डी यानी इतना एंगल और प्लस सी ओ ई यानी इतना एंगल, इन दोनों एंगल को मिलाएंगे इतना एंगल नहीं बनेगा, इसी एंगल का क्या नाम होगा, एंगल डी ओ ई बराबर 90। तो आपसे एक एंगल पूछा गया था डी ओ ई, देखिए किताब में देखें क्या लिखा, डी ओ ई एंगल कितना आ गया आंसर 90 आंसर आ गया। अच्छा सवाल है सर, ये सवाल तो मजा आ गया, इसमें तो दिमाग लग गया, हाँ दिमाग लग गया ना, नोट कर लो इसी बात की, गुस्से गुस्से ना लो नोट कर लो, गुस्से ना लो नोट कर लो, गुस्सा बहुत जरूरी, पढ़ाई में गुस्सा जितना आएगा ना उतना अच्छा पढ़ाई करोगे आप, वो वाला गुस्सा नहीं एग्रेशन, हमको पढ़ना है हमको समझना है हमको देखना है हमको आगे बढ़ना है, एग्रेशन पैदा करिए। इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एल एम इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई और एल एम दो लाइनें हैं, एक एक्स वाई लाइन है और ये एल एम लाइन है, ये एक्स वाई लाइन हो गई और ये एल एम, एल एम है कि एल एम है, एल एम है इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ, ओ पे कट कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया, इफ एक्स ओ एल, एक्स ओ एल स्मॉल ए है, ये एंगल स्मॉल ए है आगे, एंड एल ओ पी, एल ओ पी ध्यान से सुनो, एल ओ पी अब देखो यहां बनाएगा फिगर, एल ओ और ये पी ऊपर है ऐसे, एल ओ पी ये बी है स्मॉल बी है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, एंड पी ओ वाई, पी ए है ओ ए वाई ए, पी ओ वाई ये 90 है, अच्छी बात है, एंड एक्स ओ एम, एक्स ओ एम, एक्स ओ एम ये एंगल, ये यहां से आता सी है, ठीक है अच्छी बात है, एंड ए रेशियो बी, और ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3 है, इतनी बात और दे दी है, बहुत बढ़िया है, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, इसकी वैल्यू मांगेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू मांग रहे हैं, बहुत कहानी लंबी चौड़ी चौड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझने का कष्ट करना जरा, अगर ए और बी में तीन ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर 2k और बी बराबर 3k, जब रेशियो वैल्यू दी होती तो किसी भी हम प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तुमने k का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2k + 3k। अब जरा ध्यान देना, ये देखिए xoy, xoy इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब एंगल a + एंगल b + 90 इज इक्वल टू कितने के 180 के, यानी a + b बराबर कितना आ गया 90, उधर चला घट गया 90, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2k, b की वैल्यू कितनी 3k,
ये कितना आएगा 90, तो 5 के बराबर कितने के 90 के, तो k बराबर 18 पंचे 90, 18 आ गई k की वैल्यू। अब k की वैल्यू यहां रख दिया, हेंस k बराबर कितना आ गया 2 k, k की वैल्यू 18 तो 36, b बराबर 2 18 18 54, 3 18 54, a और b निकल आया। इन्होंने a और b नहीं पूछा है, बहुत बड़े वाले हैं, इन्होंने क्या पूछा है a और c पूछा है। अब आइए जरा देखिए देखिए, LOM LOM इज स्ट्रेट एंगल, कैसा एंगल है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंगल है, यानी एंगल a + c, एंगल a + c बराबर कितने के 180 के, और एंगल a की वैल्यू कितनी आएगी 36, एंगल c नहीं कराएगा, c बराबर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी c = 180 - 36, 30 घटाएंगे 150, 6 घटाएंगे 144, यानी c बराबर 144 आंसर करके निकल जाओगे। आगे और समझ में नोट इट, दिस इज एग्जांपल नंबर, एग्जांपल नंबर कौन सा है थर्ड नहीं है यार, और कोई फिफ्थ नंबर शायद, फिफ्थ नोट करिए जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट समझते ना, बहुत तेजी से नोट करो, लापरवाही नहीं करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन एक्स वाई कह दिया इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर इफ एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू ये दिया जा रहा है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू ए लाइन, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू ए लाइन, क्या बनाने लाइन, यानी 180 एंगल प्रूफ हो जाए तो लाइन प्रूफ हो जाएगी, बस और कोई दिक्कत नहीं। हाँ आओ जरा यहाँ जो फिगर जरा देखिए, ऐसे बना दिया उन्होंने, एक ऐसे लाइन खींची, एक इन्होंने ऐसी लाइन खींची और एक ऐसे कर दी, ऐसे बना दिया, नाम लिख देते हैं ए ओ बी, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, ठीक। हाँ जी सही है सर, यहाँ पे वैल्यू दी है, ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है, ठीक है, ये जेड दिया है और ये डब्ल्यू दिया है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब एक बात बताओ मेरे को बिल्कुल ध्यान से बताना, ये पूरा कंप्लीट एंगल है ना, यानी क्या देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल, ए कंप्लीट एंगल लिख लेना, कंप्लीट एंगल है। अब जरा बताइए जेड प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे एक्स और वाई फिर से नहीं लिख सकते, क्योंकि दिया एक्स प्लस वाई के बराबर, या फिर एक्स वाई करवा दिया, दो बार एक्स वाई लिख गया ना, एक्स प्लस वाई जोड़ दिया, तो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर कितने के 360 के, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 360 डिवाइड बाई 2 यानी 180 के। एक्स का मतलब, एक्स का मतलब बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी का मतलब, वाई का मतलब ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर 180 के। अब देखो एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी 180 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर दोनों एंगल का सम 180 हो जाता तो क्या बना देती स्ट्रेट लाइन, बना दी काम खत्म स्ट्रेट लाइन बन। ये सवाल था आपका छह नंबर एग्जाम्पल खत्म हुआ, छह नंबर एग्जाम्पल खत्म हुआ, यही खत्म हुआ, खत्म तो हो रहा है ना, हाँ करना तो पड़ेगा बेटा आपको, सात नंबर पे आइए एग्जाम्पल नंबर सेवन, पूरे पूरे सवाल लगाइए एक्सरसाइज के, आज हम तो कराने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पाएंगे तो आपको भी लगाने होंगे, क्योंकि शुरुआत में सरल क्वेश्चन हम नहीं सुनेंगे। लेकिन ठीक है, इफ पी क्यू आर इज इक्वल पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल पी आर क्यू ये बराबर दिया जाएगा, तो कैन देन प्रूव दैट पी क्यू एस एंड पी आर टी आर इक्वल, अच्छी बात है। एक बात बताओ, ऐसे फिगर बनाया गया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी गई, ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, नामकरण कर दिया, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक, इधर ये एस लिखा है और ये पी लिखा है, ठीक। हाँ इतनी बातें नहीं समझ में आ गई, ये फिगर देखने से कोई दिक्कत नहीं, हमको गिवन क्या, हमको गिवन किया गया, गिवन दैट क्या है कि एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर है पी आर टी, ये गिवन किया गया, करें प्रूव दैट, क्या प्रूव करने करें, करें प्रूव दैट पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये प्रूफ करके दिखाने का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से समझना, मजा आ जाएगी। ओ गिवन क्या दिया है, गिवन जो दिया उसको लेके चल रहे हैं, एंगल पी क्यू आर इसको एंगल पी आर टी लिख सकते, पी आर टी है, पी आर टी नाम लिखा, पी आर टी मानेगा पी आर टी, पी आर क्यू है ये वाला, ये गिवन जो है पी आर क्यू है, पी आर क्यू गिवन है, या क्यू गलत हो जाता नहीं तो भी। अब जरा देखो ध्यान से, पी क्यू आर ये एंगल है
इस एंगल को लिख सकते हैं, इस एंगल को लिख सकते हैं, देखो यहां ध्यान से, ये पूरा एंगल यहां से आया तो 180 होगा, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस, क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, नहीं लिखा जा सकता, या दूसरे शब्दों में अलग देखो, साइड में आइए, इधर आइए, यहां से यहां तक देखिए, इस जगह एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 की होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है ये पूरा, ये कैसा एंगल है यहाँ पे, ये स्ट्रेट एंगल है, ये बताओ सही कंडीशन की नहीं, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस पी क्यू एस नहीं आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे देखो, उधर देखिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 की होगा कि नहीं, ये भी स्ट्रेट एंगल है यहाँ से आता पूरा, इस एंगल का और इस एंगल का समय 180 नहीं होगा, लिख लिया यहाँ पे, अब दोनों की वैल्यू पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, पी क्यू आर की वैल्यू निकली कितनी निकली 180 माइनस पी क्यू एस, वैसे यहाँ पी आर क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी 180 माइनस एंगल पी आर टी, 180 से 180 कट जाएगा, कट जाएगा सर, माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी, पूरी लाइन में माइनस का गुणा करा देगा तो पी क्यू एस बराबर क्या आ जाएगा, एंगल पी आर टी नहीं आ जाएगा, रूप हो गया सर, खत्म सवाल, दो कोई सवाल है यार, बकवास बकवास टाइप के सवाल पूछ रहे हो, है ना, नोट करो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, चले चलो, धड़े धड़े धड़ 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 आगे चलो, है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मस्त आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं इनको, कोई समस्या अपने विषय नहीं, अगला क्वेश्चन है ये फिगर, अगला फिगर दे दिया गया, क्या दिया गया फिगर सर, एक फिगर ऐसे बना दिया, ये ऐसे लाइक टाइम एक्स लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा नीचे वाई, यहाँ एक्स लिखा फिर यहाँ बीच में वाई लिख दिया, ऐसे वाई, और यहाँ पे क्या लिख दिया नीचे पी लिख दिया, यहाँ पे पी लिखा, नाम देखा करके सवाल में, और ये ऐसे यहाँ पे यहाँ जेड बना है इस जगह, और इधर ये गया है, ये क्यू बना हुआ है ऐसे, ठीक, कुछ एंगल्स दिए जा रहे हैं, ये एंगल हमको बताया जा रहा है 56 है, 56 है, अच्छी बात है, यहाँ तक सही है, हाँ सर सही है, क्या लिखा है एक्स वाई जेड इज 56, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी, ठीक है, इफ द रे, इफ द रे वाई क्यू, वाई क्यू रे जो है वो जेड, जेड वाई पी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी किसकी वैल्यू निकाली, ध्यान से सुनते जाना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है, और फिर क्यू वाई पी की वैल्यू निकालनी, चलिए ध्यान से जरा समझना, ये वाई सेक्टर है, ये वाई सेक्टर है इस एंगल की, इस एंगल की वाई सेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दोनों जो जिन्हें दो दो बनाए वो बराबर है, कैसे बराबर है, क्या लिखेंगे, सिंस वाई क्यू इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी पी वाई जेड, पी वाई जेड का बाई सेक्टर है कि नहीं, देखना पढ़ा सवाल में लिखा है पी वाई जेड या जेड 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 वाई पी, जो लिखा हूं इसी हिसाब से लिख दे, जेड वाई पी बाई सेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल पी वाई क्यू बराबर होंगे, होंगे बराबर, हाँ सर बराबर होंगे, हमने क्या नाम दे दिया इनको, इसको नाम दे दिया, ये एंगल जो है वो एक्स, एक्स नहीं नाम देंगे, एक सवाल में दिया, यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, हमने यहाँ पे नाम दे दिया के, एबी के हो गया, के हो गया, दोनों बराबर तो बराबर के, अब जरा समझना मेरी बात को, समझने का प्रयास करना, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, हाँ सर है, तो के प्लस 56 बराबर 180 के नहीं कहलाएगा, हाँ कहलाएगा सर, तो टू के बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 56 के, 50 घटाएं 30 बचे, 30 में 6 जाएगा 24 बचेगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 62 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, इन ये वैल्यू कितनी होगी 62 हो गई, ये वैल्यू कितनी होगी 62 हो गई, इन्हें आप यहाँ लिख सकते हैं, हेंस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 62, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 62, तो देखो जरा क्या पूछा गया, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू 62 आंसर हो गया, एक तो आंसर हो गया पी वाई क्यू पूछा गया, एक और पूछा गया एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू को लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, ये एंगल 56 है 62 है, तो 56 ये हो गया 62 ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए 6 5 11 और 18 118 समथिंग कुछ है, अब एक मिनट एक्स दूसरा जो एंगल, अच्छा तो ये तो एंगल कौन निकला, ये निकला एक्स वाई क्यू 118 डिग्री आया 118, ये एक्स वाई क्यू ऐसे इस तरह से इधर वाला,
लेकिन उन्होंने उन्होंने एक और चीज उन्होंने पूछा, उन्होंने रिफ्लेक्स पूछा है। अब ये रिफ्लेक्स अगर पूछा है तो इसको हटा दीजिए, रिफ्लेक्स पूछा है तो ये अगर ऐसे पूछते तो ये एंगल हो गया आपका कितना 118। रिफ्लेक्स पूछा है किसका, रिफ्लेक्स यहां से रिफ्लेक्स एंगल कितना x, देखो रिफ्लेक्स x y q यानी ये इतना यहां से यहां तक पूछा है x y p x y हां लिखा है नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ q q y p q y p पूछा है, गलत लिखा है बेटा, q y p पूछा है, QYP का रिफ्लेक्स नहीं यहां से लेके यहां तक, रिफ्लेक्स QYP का रिफ्लेक्स यहां से यहां तक QYP ये आएगा रिफ्लेक्स। QYP एंगल देखिए ये बन रहा है, रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो भैया देखो रिफ्लेक्स एंगल QYP बराबर 360 माइनस ये वाला एंगल यानी 62 घटा देना कितना आंसर आएगा 298 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्स तो यहां से लेके यहां तक पूछा जा रहा है, पूरा स्ट्रेट एंगल होता है तो यहां से लेके यहाँ QYP यहाँ तक इस जगह तक फिर यहाँ तक आ गए तो पूरा 100 बना देगा ना, यहाँ तक आइए इसको भी हटा दो, इसको समझ अभी यहाँ से QYP यहाँ तक पूछा जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 होता है, उसमें से अगर ये निकाल लें तो इतना बच जाएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म, नोट करिए जल्दी से फटाफट, सवाल अच्छे अच्छे आ रहे हैं, अब दिमाग को खर्चा करना पड़ेगा आपको कि कैसे एंगल से निकाल लें कैसे एंगल से नहीं निकाल लें। क्लियर हुआ कुछ, कुछ तो दिमाग के अंदर गया ही होगा सर, पूरा पूरा जा रहा है समझ में आ रहा है। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं बनाया, दो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करनी इस तरह से, ये ऐसे पहले तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये पॉइंट का नाम तो देखिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, पढ़िए सवाल में, नहीं ए बी ए नहीं है, ये सी और डी है, ए और बी है, ये सी है और ये डी है, ये ए है ये बी है, और ये कौन है हमारी, ये E और F है, ऐसे नाम बनाए, इसका नाम O है, F है, कुछ एंगल्स बताए गए हैं, क्या लिखा गया A B C D E F थ्री लाइंस कॉन्ट्रेंट एट O, ठीक अच्छी बात है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Y Y की वैल्यू निकालने के लिए, ये एंगल बता दिए एंगल कह रहे हैं 2Y, ठीक अच्छी बात है, एंगल 2Y है, ये एंगल कितना, ये एंगल 5Y है, ये एंगल कितना है 5Y है, और ये एंगल भी 2Y है, तो आपने ग्रेड में पढ़ा होगा अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट करती है, ऐसे कट करती है, है ना, तो अपोजिट वर्टेक्स एंगल, ये एंगल एंगल आपस में बराबर होते हैं, होते हैं ना, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो देखिए ध्यान से इस लाइन को देखो, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है आपके, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गए, ये भी 2y हो गए, अब देखो ये लाइन कट करके ये 2y तो ये भी 2y हो गए, और ये 5y तो ये इधर वाला 5y हो गए, अब बताओ ये सारे एंगल मिला के कंप्लीट एंगल नहीं बना रहे, हाँ सर बना रहे हैं, यानी क्या 2y + 5y + 2y + 2y + 5y + 2y सबको जोड़ दो, क्या लिखेंगे 2y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2y, 1 2 3 4 5 6 एंगल हैं, ठीक जोड़िए ये कितना 7 7 2 9 9 2 11 11 5 16 16 2 18 बराबर 360 के, 18y बराबर 360 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा सर, y की वैल्यू पूछी गई थी 20 निकला है, काम सवाल टुट करके निकाल दिया आपने सवाल को, हाँ टुट कर दीजिए सवाल के साथ, कुटपुट समझते ना, बिल्कुल आसान सा सवाल था, करते करते करके रखती है ना, इसमें अपोजिट वर्टेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, सवाल को 2 सेकंड के सॉल्व करके दे दिए, कुछ नहीं सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर AB इज द मिरर, AB इज द मिरर एंड PQ इज एन एंशिएंट रे एंड QR इज ए रिफ्लेक्टेड एंगल, और इनके बीच का एंगल 112 है, ध्यान दीजिए कि AB इज ए मिरर, ये मिरर बना लीजिए, मिरर मिरर समझते हैं आप लोग, इसमें PQ क्या है इंसेंट रे है, इंसेंट मतलब ऐसे करके इसमें आ रही है, तो आपने मिरर पढ़ा ही होगा, अब इंसेंट रे है ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्लेक्ट करके चली गई, इनके बीच का एंगल अब ध्यान दो, इसका नाम कुछ दे दो, नाम दिया उन्होंने ओ दिया है ठीक, और ये क्या हो गया इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल दे दिया, इसका नाम एम दे दिया, ये एंगल आपको पूरा दे रहे हैं, एंगल कितना दे रहे हैं 112 करें रिफ्लेक्ट एंगल, सॉरी एंगल पी क्यू आर, ये एंगल इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, पी और ये क्यू है और ये आर है, पी क्यू इंसेंट और क्यू आर इज रिफ्लेक्ट, ये क्यू नाम है, तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 112 के, तो क्या मांगे फाइंड आउट द एंगल, एंगल क्या मांगे पी क्यू ए, पी क्यू ए ये एंगल मांग रहे हैं, ये एंगल मांग रहे हैं, ये एंगल मांग रहे हैं, बहुत अच्छे से बात को समझिएगा, एंगल ए क्यू एम बराबर 90 होगा। अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स अगर आती है तो एंशिएंट रे और रिफ्लेक्ट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो एंशिएंट रे एंगल, एंशिएंट एंगल यानी एंगल पी क्यू एम is equal to reflect angle RQM
बराबर होंगे, हाँ सर बराबर होंगे। तो अगर हम इसको भी x बोले, इसको भी x बोले, तो यानी x प्लस ये भी x हो गया। इसका मतलब यहाँ देखना जरा, x प्लस x बराबर कितने के, 112 के, तो 2x बराबर कितने के, 112 के, x बराबर कितने के, 56 के, x मतलब ये एंगल हमको मालूम पड़ गया कितना है, रिफ्लेक्स एंगल 56 है। अब जरा एक बात बताइए, एंगल ए क्यू एम नॉर्मल है, तो ए क्यू एम नॉर्मल अगर है तो 90 बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो इसका मतलब एंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी प्लस एंगल PQM, PQM बराबर 90 होगा कि नहीं होगा, और PQM की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई तो PQM की वैल्यू नहीं आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब एंगल PQM बराबर एंगल RQM, RQM बराबर 56 के, यानी कि तो PQM की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ रख दीजिए PQM को, उधर एंगल AQP बराबर 90 माइनस 56, कैलकुलेशन कर देना, घटा देना, आंसर दे देना, कर पाएंगे 36-34 जो भी आए, हाँ 34 आंसर आ जाएगा, कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे, है ना, हाँ कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन ये प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द क्लियर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। भैया पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिकल एंगल का जो सम होता है स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब आप समझ जाने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए 11 नंबर एग्जांपल पढ़ा, समझिए जरा, कह रहा प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट, पहले देखिए दो आई लाइन इस तरह से ऐसे ऐसे है ना, एक नाम ए बी, एक नाम बी सी, एक नाम ए बी और एक नाम सी बी, ए सी बी, ये दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इनका बाइसेक्टर ये बना लिया, ये बाइसेक्टर बना लिया, ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। तो हमारी दो लाइन ए बी और सी की बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ एंड ओ ई एंड ओ एफ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, ओ ये नाम ओ है, ओ ई एंड ओ एफ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड दिस, तो ये बाइसेक्टर्स है ना, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इसमें तीन इसमें दो, और सही है। अब जरा एक बात बताओ, बहुत ही ध्यान से समझदारी से बातों को समझते हुए चलिएगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। तो हमको प्रूफ क्या करनी है कि जो ओ ई एफ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ओ ई एफ जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब एक जब बात बताइएगा, चार एंगल बनना ही है, अब इसको थोड़ी देर में भूल जाएगी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 360 की, हाँ सर सही है, बात सही है, बिल्कुल सही है, डी ओ बी डी ओ ए कुछ भी लिखे सब 360 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तीनों एंगल का सम 360। अब जरा एक काम करिए, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते चलिए, एंगल ए ओ सी ये एंगल ऐसे लिखा रह दिया, एंगल ए ओ सी ऐसे लिखा रह दिया, प्लस जो हमारा एंगल सी ओ डी है, सी ओ बी, अब जरा थोड़ी सी बुद्धियां लगाते हुए चलिएगा, ध्यान से देखते चलना एक मिनट। अब एक बात बताओ बेटा मेरे, बिल्कुल एकदम ध्यान से देख करके, ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है पूरा, हाँ अपोजिट वर्टिकल एंगल है ये पूरा, यहाँ से आता है, यानी सी ओ बी एंगल सी ओ बी बराबर कहलाएगा किसके, एंगल डी ओ ए के, हाँ सर, यानी सी ओ बी और डी ए ओ बराबर हो गए, यानी इन दोनों के प्लेस में जब रिप्लेस करोगे ये वैल्यू ए क्या बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ बी, नहीं बन जाएगा भाई, डी ओ ए की अगर सी ओ बी लिखोगे दोनों जुड़ जाएंगे, हाँ जुड़ जाएंगे, और प्लस ये कितना आ गया बी ओ डी बराबर 360, यहाँ तक मामला सही करिए भैया, सही है, हाँ सर सही है। अब जरा एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, एंगल ए ओ सी को लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ, ध्यान देना टू टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ ई, भाई ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल इस आधे एंगल का डबल नहीं होगा, ये पूरा एंगल इस आधे एंगल का डबल नहीं होगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस आधे एंगल का डबल, तो यहाँ लिखिए टू टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ ई प्लस टू टाइम्स ऑफ एंगल सी ओ बी, ऐसे लिखा रहे हैं प्लस, ऐसे इधर आइए, ये बाइसेक्टर इस बाइसेक्टर बराबर है, तो यानी ये पूरा एंगल, यानी ये पूरा एंगल इस आधे एंगल का डबल नहीं होगा, यानी इसके लिए लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ ई बराबर 360 के, और पूरी लाइन दो से डिवाइड मार दीजिए, तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 के, दो से डिवाइड मार दिया, जरा देखो गिनो, एंगल सी ओ ई यानी इतना एंगल ये वाला फिर सी ओ ई यानी ये वाला, और फिर एंगल ये वाला, ये क्या बना रहा है 180 बराबर है, हाँ 180 बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ई ओ एफ
इज स्ट्रेट लाइन, ये तो प्रूफ करके कहा गया, प्रूफ करके स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करता उसको, तो स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करता, बात खत्म हो गई कि बाइसेक्टर दो लाइनों को, बाइसेक्टर जो होता है दो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, प्रूफ हो गया होगा, कर लिया होगा, समझदारी। अगला क्वेश्चन इन द गिवन फिगर रो रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी एओबी एंड ओडी इज ए रे अपोजिट टू ओसी, ठीक है अच्छी बात है, प्रूफ करने का एंगल एओडी बराबर एंगल बीओडी, एओडी बराबर बीओडी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए थोड़ा सा प्रयास करिए, दो मिनट का काम इसको भी खत्म कर लेते हैं, है ना, तो सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के, थोड़ा स्पीड पकड़िएगा, बहुत तेज काम करना है आपको, हाँ आज खत्म कर देना पूरा पूरा चैप्टर खत्म करना है, मात्र 10-12 सवाल है, इतना फिगर बना लीजिए, ऐसे फिगर बना दिए, ये इसका नाम ओ है, इसका नाम क्या दिया है, यहाँ पे सी सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे डी, ये ऐसे नाम पड़े हुए, ठीक है, हाँ सही सही सर। अब इन्होंने क्या कहा, ओ सी क्या बाइसेक्टर है, ये एंगल एंगल बराबर है, ये एंगल एंगल बराबर है, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ सी बराबर हो गए, हाँ सर बराबर हो गए। अब एक बात बताओ, एंगल बी ओ सी के प्लेस पे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी कैसे लिख सकते हो सर, आपने कैसे लिख दिया, हम बता रहे हैं आपको, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डी ओ सी इज स्ट्रेट लाइन, ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर डी ओ सी स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 नहीं होगा, हाँ होगा, तो इससे बताइए बी ओ सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 माइनस डी ओ बी नहीं निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी, ऐसे यहाँ पे आइए ए ओ सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 माइनस एंगल ए ओ डी ए ओ डी निकल आएगी, निकल आएगी 180 से 180 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एंगल डी ओ बी बराबर कितना प्रूव हो गया, एंगल ए ओ डी प्रूव हो गया, ये प्रूफ मैंने कहा गया खत्म सवाल, ए ओ डी बराबर बी ओ डी प्रूफ हो गया, ए ओ डी बराबर बी ओ डी प्रूफ हो गया, सीधा करके लिखना आपको, एंगल ए ओ डी बराबर हो गया एंगल बी ओ डी, बहुत सही है ना, मजा आ गई, बिल्कुल मजा आ गई, कंप्लीट कर डाले, कंप्लीट दिस 7B एक्सरसाइज, एग्जाम्पल हमने खींच दिए हैं, एक्सरसाइज आपको करनी, मात्र कितने सवाल हैं, मात्र 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 कितने सवाल हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सवाल हैं, ठीक है करिएगा, ये छोटे छोटे सवाल तो आप करिएगा फटाफट, है ना, फिर बाकी हम देखेंगे भी, परेशान ना हो, तो इस 7B कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा, कल हम इसको डिस्कस भी करेंगे, जल्दी जल्दी निपटा भी देंगे, परेशान ना हो, ओके, वीडियो को लाइक कर दें, अटेंडेंस दे दें, चले जाएं।